आज हम एक डिफरेंस देखेंगे सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के बीच में, और क्यों अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर अपने आप को सक्सेसफुल इन्वेस्टर समझता है लेकिन वो होता अनसक्सेसफुल है, आखिरी में क्या है पूरी की पूरी रीज़न, इसको देखेंगे, पूरा का पूरा फंडा देखेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं मार्केट मैस्ट्रो। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बात करते हैं, सबसे पॉइंट नंबर वन जो होता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस, और वो होता है पेशेंस का। वैरन बफेट आपको याद होगा जो मार्केट के जादूगर है, वो यहाँ पर कह के चले गए कि आप उन्हीं चीज़ को परचेस कीजिए जिनको आप 10 साल तक रख सके, यानी कि लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर रख सके। अब होता क्या है कि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर जब मार्केट लो होता है तो वो एग्जिट कर देते हैं, जैसा कि आपको डाटा भी पता होगा अभी रिसेंटली कि 50% लोग एग्जिट कर दिए, थोड़ा सा मार्केट जबकि लो हुआ भी नहीं था, थोड़ा सा वॉलीटिलिटी आई और वो निकल गए, और सक्सेसफुल इन्वेस्टर उसी वॉलीटिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं और वहीं पर वो एंट्री करते हैं, वहाँ पर वो लमसम डालते हैं और आप वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। कहानी आपको पता होगी 2008 की, जहाँ पर मार्केट गिरा था वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर को ये बात पता था कि मार्केट कभी भी एक के जैसा नहीं चलता है, मार्केट ऐसा चलता है और आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर आएगा, और वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे जब सारे के सारे लोग वहाँ से निकल रहे थे। दूसरा टिप, सबसे यहाँ पर दूसरा बेसिक पॉइंट है, कैलकुलेट रिस्क आपको लेना है। फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पर बेंजामिन, जिनको हम बोलते हैं बेंजामिन जी, उन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि आपको रिस्क को करना है, अवॉइड नहीं करना है, आपको रिस्क को मैनेज करना है, यानी कि आपको रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं? हम म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते, लगता है वहाँ पर रिस्क है। हम इक्विटी में पैसा नहीं लगाते, हम क्या करते हैं पूरा पैसा लेते हैं और रिस्क फ्री यहाँ पर चले जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, बैंक अकाउंट में ही कुछ लोग छोड़ देते हैं, इसके साथ PPF। ये सब चीज़ें आपको मिलीनियर कभी नहीं बना सकती, ये बात आप याद रखिएगा। कभी भी आप ये सारे के जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है इनके साथ में आप मिलीनियर नहीं बन सकते। हमारी जो थिंकिंग है इससे क्या होता है, रिस्क नहीं लेने से हमारी थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है, हम पैसा कमाना और पैसा बनाना छोड़ के हम पैसा बचाने लगते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पर पैसा बचाने लगते हैं, चार लाइट ऑफ कर देते हैं, इसके साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पर हम करने लगते हैं पैसा बचाने के लिए। मेरे को याद आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट आए टैक्स सेविंग हो और वो फटाक से बिक जाता है, ऐसा नहीं है, आपको पैसा बचाना है वो आपकी अपनी जगह है, पैसा आपको बनाना आना चाहिए। टॉप 100 जो यहाँ पर है रिच मैन अगर आप देखोगे लिस्ट में, तो वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करके चलते हैं, ये आप खोल के देख सकते हो। तो आपको रिस्क को मैनेज करना है, आपको रिस्क को अवॉइड नहीं करना है। लंबे समय में अगर आप ऐसा करोगे तो आपको नुकसान होगा फिक्स डिपॉजिट से, क्योंकि वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, ट्रेंड के साथ यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ट्रेंड में ही बह जाते हैं, आपको ट्रेंड के साथ नहीं चलना है। ऐसा गलती क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे न्यूज़ होते हैं, जो भी आज न्यूज़ में वो चलता है जो मार्केट में होता है, मार्केट बहुत ऊपर हो जाता है तो सारे के सारे न्यूज़ में आने लगता है और हम देखते हैं मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चलो इसमें पैसा लगा देते हैं, और हम हाई प्राइस में चीज़ों को खरीद लेते हैं और फिर हो जाता है लॉस। अब जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं वहाँ पर एग्जिट करते हैं और आप वहाँ पर एंट्री कर देते हो, तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत बन जाता है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो एंट्री करते हैं, आप एग्जिट करते हो, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो एग्जिट करते हैं और आप यहाँ पर एंट्री कर देते हो, तो ये दिक्कत सबसे बड़ा है और ये दिक्कत बना हुआ है और ये आगे भी यहाँ पर बने रहेगा। हमारे सोच में रहता है कि हम काफ़ी अच्छा डिसीजन ले रहे हैं लेकिन बाद में हमको यहाँ पर पता चलता है। चौथा चीज़, ट्रैकिंग ऑफ पोर्टफोलियो, ये एक और दिक्कत है जो मेरे को सामने आई है। बहुत सारे लोग में ये क्या दिक्कत होती है, अनसक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो डेली ट्रैक करते हैं, वो डेली अपने फंड को खोल के देखते हैं कि अच्छा कैसा परफॉर्म किया, डेली आने भी देखते हैं, डेली चेक करते हैं, मंथली चेक करते हैं, और वो काफ़ी नर्वस होते हैं इस चीज़ को लेके, और करते क्या है, इमोशन के साथ में वो बह जाते हैं मार्केट के इमोशन के साथ में, और वो अपने फंड को रेगुलर चेंज करते रहते हैं, वो लगातार अपने फंड बदलते रहते हैं, कभी ये फंड कभी वो फंड, वो फंड अच्छा किया तो चलो वहाँ चलो, ये फंड अच्छा किया तो वहाँ चलो, और ऐसे में उनको कुछ मिलता नहीं है क्योंकि एक बार ये फंड चलता है तो एक बार वो फंड चलता है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहते हैं
वो इसके मुकाबले में एकदम रिलैक्स करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होती, वो हॉलीडे पे जाते हैं, एकदम आराम से रहते हैं, ईयरली रिव्यू करते हैं और हार्डली अपने पोर्टफोलियो को वो रीबैलेंस करते हैं। जो कि अनसक्सेसफुल लोग लगातार रीबैलेंस करते रहते हैं, और वो हार्डली रीबैलेंस करते हैं, ज़रूरत पड़ती तभी करते हैं, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो होते हैं यहाँ पर गोल बेस्ड और उनको पता रहता है कि फंड को समय चाहिए 1 से 3 साल परफॉर्म करने का। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए डिफरेंस, ताकि आप यहाँ पर सक्सेसफुल इन्वेस्टर वाकई में बन सको। सिर्फ सोचो ही नहीं, आप भी आगे जाकर सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन टिप्स को फॉलो करके बन सकते हैं। एक बार फिर से, आपको रखना है पेशेंस, आपको लेना है कैलकुलेट रिस्क, आपको ट्रेंड के साथ नहीं चलना है, और पोर्टफोलियो ट्रैकिंग आपको सालाना करना है। ये चीज़ें हैं, आप डेली मत करो। तो ये था आज का पूरा वीडियो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के थिंकिंग के बीच में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को आपको करना है लाइक, इसके साथ आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि और भी लोगों को पता चले। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड और बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपने किसी और नए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ में।